ही गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और मॉर्निंग से आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ टिक्की, आलू की टिक्की। तो यहाँ पे मैंने आलू को मैश कर लिया है, आलू बॉईल कर ली थी मैं, और उसके बाद मैं इसमें मिक्स कर ले रही हूँ ब्रेड। तो 3 या 4 ब्रेड ऐसे तोड़ तोड़ के मैं डाल लूँगी, और उसका जो ब्राउन वाला पार्ट्स है उसको मैं अलग नहीं करूँगी, क्योंकि उसमें मुझे मैश करना है और कुछ बनाना होता है तो मैं उसको अलग कर लेती। दूसरी साइड में रख दी हूँ कढ़ाई, ये गर्म होगा, ऑयल वगैरह डाल दूँगी। और बाकी जो टिक्की बनाना है उसमें मैं ऐड कर रही हूँ नमक, और मैं ये ऐड कर रही हूँ काली मिर्च पाउडर, और उसके बाद जीरा पाउडर। तो जीरा पाउडर ये वाली स्पाइस बॉक्स में है, तो इसमें से मैं डाल दूँगी जीरा पाउडर। और उसके बाद ये कढ़ाई गर्म हो रहा है, ऑयल उसमें मैं डाल दूँगी, क्योंकि थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो अच्छा रहेगा और टिक्की अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा धनिया पाउडर, धनिया पाउडर नहीं, आमचूर पाउडर। धनिया पाउडर इसमें हमें नहीं डालना है। उसके बाद ये ग्लास में ऑयल रखा हुआ था, जो बचा हुआ था वही ऑयल रखी थी, तो मैं उसको उसमें डाल दी हूँ, ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं कर रही हूँ। और इस तरीके से इसको मिक्स कर लूँगी, बहुत ही अच्छी तरीके से उसको गूँथ लूँगी। तो यहाँ पे स्पर्श आया था देखने के लिए कि क्या बन रहा है, और आज है संडे, संडे का ब्लॉग है ये, और मैं इसको अच्छी तरीके से गूंथ ले रही हूँ, जैसे आटा गूंथते हैं उस तरीके से। उसके बाद हमें उसको राउंड शेप दे देना है, जैसे हम टिक्की बनाते हैं, तो ये देख रहे हैं इस तरह से पेड़े जैसा हमें बना लेना है। और इस तरीके से सबको मैं बनाते जाऊँगी, देन ऑयल में इसको डाल देना है। ऑयल बिल्कुल अच्छी तरीके से गर्म था कढ़ाई, तो उसके बाद मैं ऐसे डालते जाऊँगी। तो देखिए कढ़ाई में डालते डालते बहुत ही अच्छी तरीके से वो फ्राई होने लगा है। बहुत लोग इसको डीप फ्राई भी करते हैं, बट मैं आजकल ऑयल कम यूज़ करती हूँ, तो इसी वजह से मैं थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल के ही हर चीज़ बनाने की कोशिश करती हूँ। और सब टिक्की बन गई, ये 2 आलू बचा हुआ है, क्योंकि मैंने 2 आलू ज़्यादा बॉईल किया था। और ये अरबी का पत्ता जो कि मैं आपको पहले के ब्लॉग्स में दिखाई थी, तो इसको मैं आज बनाने वाली हूँ सब्जी। तो इस तरीके से मैं सोच रही हूँ, बहुत बड़ा बड़ा है तो मैं 2 पार्ट्स कर लूँगी कट करके। और ये मैं निकाली हूँ इसको पलटने के लिए, तो अभी एक्चुअली मैंने देखा ना, चेक किया तो ये नहीं पका हुआ था, मीन्स इसका कलर अच्छे से नहीं आया था। अब इसका कलर आ गया है तो मैं इसको पलट दे रही हूँ। तो इसको डार्क करना होता है, तो ये ज़्यादा डार्क था, बाकी सब थोड़ा सा लाइट है, बट फिर भी और उसके बाद मैं पकाऊंगी तो ये अच्छी तरीके से बन जाएगा टिक्की। तो इसको मैं पलटते रहना है हमें, लेकिन ज़्यादा हमें नहीं पलटना है, नहीं तो टूट जाएगा। और मुझे बनाना है बर्गर, तो यहाँ पे मैं खीरे को छील ले रही हूँ। एक मैं टमाटर लेके आई हूँ, और इसको अच्छे से छील के वॉश कर लूँगी, उसके बाद मैं इसको कट करूँगी। और बर्गर में ये डालना अच्छा भी लगता है, थोड़ा सा हेल्दी बन जाता है अगर हम बर्गर बनाते हैं, वेजिटेबल ज़्यादा डालते हैं। तो उसके बाद मैंने इसको वॉश कर ली हूँ, और एक्चुअली ऐसा मत बोलिएगा, मैंने वॉश किया है, उसको मैं कट लगाई हूँ, और उसके बाद मैं अच्छे से इसको कट कर लूँगी राउंड राउंड शेप में, जैसे बर्गर में हम खाते हैं ना सैंडविच बर्गर, जो हम सब्जियों वाला सैंडविच बनाते हैं उसमें भी खीरा डालते हैं। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा ज़्यादा कट कर लिया, एक को पूरा कट कर लिया, हम खाने के साथ भी हम खा लेंगे। उसके बाद मैं कट कर ले रही हूँ ये जो टमाटर था, टमाटर को भी अच्छे से कट कर ले रही हूँ राउंड शेप में। मैं मिल्क से ही मलाई निकाल ली हूँ, क्योंकि फ्रेश मलाई मिलेगी, और थोड़े से ऐसा नहीं है कि हमें मलाई जाके ख़रीदनी पड़ेगी। तो मेरे पास मिल्क था, तो मैं उसमें से दोनों मिल्क में से मैंने मलाई निकाल लिया है, तो मलाई वाला काम मतलब चल जाएगा। और उसके बाद बर्गर का ही है, तो बर्गर को मैं निकालूंगी, मीन्स इसको बन बोलते हैं, बर्गर बन, तो इसको मैं निकाल के, और ये तो 2 पार्ट्स में होता है, तो जो तवा मैं रखी हूँ उस पर मैं डाल दूँगी देसी घी थोड़ा, और देसी घी डालने के बाद मैं इस पर सेकूँगी। तो पहले मैंने रख दिया, अभी थोड़ा ही गर्म हुआ था, तो मैं इसको मुझे याद नहीं था कि मैंने कब रखा है, तो उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी देसी घी, थोड़ा सा ज़्यादा डालना है। और ऐसे मार्केट में जाते हैं तो वो लोग तो डीप फ्राई करते हैं बर्गर बन को, बट वो काफ़ी मतलब हेल्दी नहीं होता है, पूरा ऑयल में डूब जाता है। बट यहाँ पे मैं तवे पे ऐसे देसी घी थोड़ा सा लगा दूँगी, डाल दूँगी, और अच्छे से मैं इसको अच्छे से मतलब पका लूँगी। मतलब पकाना क्या, सेंकना है, जैसे हम ब्रेड सेकते हैं ना, उसी टाइप से हमें इस बन को भी सेक लेना है।
तो इस तरीके से मैंने सारा बन जो है ना उसको निकाल लिया है सेक के। उसके बाद एक साइड में मैं डाल दूँगी केचप और दूसरी साइड में मेयोनीज़ लगाऊँगी। और इसका भी अलग से सॉस आता है बट मेरे पास नहीं है, बट ये भी काफ़ी टेस्टी बनता है। तो आज मुझे सुबह से ही किचन में लगना पड़ा है क्योंकि नाश्ता उसके बाद मुझे बनाना है लंच। तो एक साइड में मेयोनीज़ लगा ले रही हूँ, एक साइड में केचप। स्पॉज बार बार आके देख रहा है कि उससे अब मिलने वाला है बर्गर, तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है। और थोड़ा सा बनाने में मेरे को टाइम लगा कि टिक्की भी बनाना था और फिर से इसको सेंकना था, उसके बाद में इसमें कट करना था, तो थोड़ा सा ब्रेकफास्ट रेडी करने में मुझे टाइम लग गया आज। बट कोई बात नहीं, अच्छा सा ब्रेकफास्ट होगा, हस्बैंड जी खुश हो जाएंगे और स्पॉज तो खुश हो ही जाता है ये सारी चीज़ें देख के। तो इस तरीके से मैंने लगा लिया है। और उसके बाद ये सब मेयोनीज़ लगाने के बाद अच्छे से प्रॉपर अच्छे से लगाना है। और उसके बाद जो केचप मैंने डाला है ना उसको भी सबको मिक्स कर लूँगी। और एक तरफ मेयोनीज़ केचप लगाने पे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। देन मैं जो भी वेजिटेबल कट की हूँ जैसे खीरा, टमाटर, प्याज वगैरह, सब कुछ अच्छे से मैं ऐसे सजा दूँगी, इस पर एक एक करके सजा दूँगी, तीन हो जाएगा। और ये इतना बड़ा है ही तो उससे ज़्यादा मैं क्या डालूँ समझ में नहीं आ रहा था। बाकी जो खीरा बचेगा वो तो हम दोपहर में लंच के साथ उसको हम खा लेंगे। देन ये सब लगाने के बाद मैं इस पर डालूंगी टिक्की और इसके ऊपर, सॉरी मैं चाट मसाला स्प्रेड कर रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि चाट मसाला डालना अच्छा लगता है इस पर, काफ़ी अच्छा स्पाइसी हो जाता है। और उसके बाद मैं डालूंगी क्रीम, और जो मैंने फ्रेश दूध से क्रीम निकाला है वहीं वाली क्रीम को मैंने फेंट लिया है बहुत अच्छी तरीके से। उसके बाद मैं इसमें इसके ऊपर मैं डाल दूंगी और मैं इसको बंद कर लूँगी। सॉरी मैं भूल गई थी, मैं टिक्की लगाना, लेकिन अभी मुझे याद आएगा तब मैं लगाऊँगी इस पर टिक्की। तो यहाँ पे मैं टिक्की लगा दे रही हूँ उसके ऊपर, मलाई डालने के बाद टिक्की लगा दे रही हूँ। उसके बाद मैं इसको लगा दूँगी, ऊपर वाला जो बन है, ऊपर का जो पार्ट्स है उसको मैं ऐसे बंद कर दूँगी। देन मेरा बर्गर जो है वो रेडी हो गया। और इसको मैंने क्या किया था, उल्टा लगा दिया था इसी वजह से। कभी कभी हो जाता है ना, जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट बना रही हूँ क्योंकि भूख भी लग गई है इनको। और ये मेरा बर्गर बन रेडी है, आप लोग बताना कि कैसा बना है। और ये देखिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है दिखने में। और दूसरी साइड अब हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, वो मैंने दिखाई दी कि हमने ब्रेकफास्ट किया है। देन मैं अरबी के पत्ते का ना ये मैं बना रही हूँ, सब्जी बना रही हूँ। इधर मसाला मैं रेडी कर ली हूँ, सरसों मसाला वाला, ये खीरा टमाटर जो बचा हुआ है, और ये बची है तीन टिक्की। तो क्या था ना, मेरा मोबाइल गुम हो गया था, मीन्स मिल ही नहीं रहा था, मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मेरा मोबाइल मैंने कहाँ रख दिया है। तो मैंने सूट ही नहीं कर पाई कि इसको मैंने सब्जी को कैसे मैंने इसको बांधा है। तो मैं काफ़ी देर बाद ढूंढते ढूंढते फिर मैंने छोड़ दिया, क्योंकि लेट भी हो रहा था। फिर अभी मोबाइल मेरा मिला है तो मैं इसको सूट कर रही हूँ। और ऐसे मैंने बॉईल कर लिया था थोड़ा सा ऑयल डाल के, उसके बाद हल्का सा मैं ऑयल में इसको फ्राई कर लूँगी। देख रहे हैं आप कितना थोड़ा सा ऑयल डाली हूँ, ऐसे मतलब भून के ऐसे निकाल लूँगी, ज़्यादा मुझे इसको नहीं भूनना है। देन इसको जब मैं निकाल लूँगी उसके बाद मैं डालूँगी मसाले में। तो ये देखिए मसाले में मैंने प्याज डाला है, मिर्च थोड़ा सा और ये प्याज मिर्च और थोड़ा सा डाली थी हींग। और इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। और प्याज को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया है। और जब इसका कलर चेंज होने लगेगा, जैसे कच्चापन इसका चला जाता है, तो उसके बाद मैं यहाँ पे मैं मिर्च को कट कर रही हूँ। थोड़ा सा कुछ ना कुछ करते रहती हूँ जब मैं खाना बनाती हूँ तो। और ऐसे मैं चलाती रहूँगी। उसके बाद मैंने मसाला जो तैयार किया है ना उसमें मैं डाली हूँ सरसों, मीन्स बहुत लोग इसको राई बोलते हैं, लहसुन और हरी मिर्च को मैंने उसमें ग्राइंड किया है। साथ में धनिया पाउडर डालना है, जीरा पाउडर डालना है, यही सारे मसाले होते हैं, जो वही मसाला मुझे डाल के इसमें भून लेना है और अच्छी तरीके से भूनना है। एकदम फ़िश वाला टेस्ट आता है ये सब्ज़ी बनाना, तो ऐसा लगता है कि फ़िश का टेस्ट आता है, बिल्कुल फ़िश वाला ही टेस्ट आता है। आप लोग ट्राई ज़रूर करना, अगर फ़िश जो खाता होगा वो ये सब्ज़ी बनाएगा तो उसको पता चल जाएगा। देन मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। देन तब मैं इसमें पानी डालूँगी। तो भून ली थी अच्छे से मैं, उसके बाद पानी डाल दिया। एक्चुअली मैं फास्ट कर दी हूँ तो बहुत ही अच्छे से भूनना होता है इसको, मैं थोड़ा सा बच जाए मसाला भूनते भूनते, तब इसको इसमें मैंने पानी डाला है। और जब ये खोलने लगेगा तो सारे जो पीसेस थे अरबी के पत्ते के उसको मैंने ऐसे इसमें डाल दी हूँ। और मैं इसको ढक दूँगी और ये पक जाएगा, तब मैं थोड़ा सा पानी बचेगा तो मैं इसको बंद कर लूँगी गैस को। देन उसके बाद सब्ज़ी बन रही है एक साइड, और मैं इधर आई हूँ पोंछा लगाने के लिए। तो किचन का जो काम था ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, बस मुझे राइस या रोटी जो भी है वो बनाना है। तो उससे पहले मैं सोची कि मैं सबसे पहले मैं कर लेती हूँ झाड़ू पोछा, तो झाड़ू पोछा वगैरह कर ले रही हूँ। तो पोछा लगाने थोड़ा सा टाइम लगा, और उसके बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी और फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी कैमरे के सामने आके। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज है संडे और संडे का मॉर्निंग से मैं काम करने में लगी हुई थी, जैसा कि मैं आपको दिखाई। आज हमारा ब्रेकफास्ट था बर्गर, लंच में मैंने बनाया है अरबी के पत्ते की सब्जी और रोटी और थोड़ा सा राइस। तो राइस वगैरह रोटी वगैरह मैंने दिखाई हूँ, बट हाँ बहुत टाइम मेरे को लग गया। और उसके बाद पोछा झाड़ू जो भी था
इनके कपड़े हाथ से वॉश करने थे, जितने भी इनके कपड़े ऑलमोस्ट इनके जितने कपड़े होते हैं ना मशीन में वॉश नहीं करती हूँ, डेली यूजेस वाले वॉश कर लेती हूँ, बट शर्ट्स वगैरह रहते हैं क्योंकि कॉलर वगैरह बहुत ही ज़्यादा गंदा हुआ रहता है तो वो सब अच्छे से वॉश करना पड़ता है और हैंड से ही वॉश करना पड़ता है ब्रश लगा के, तो वो सब की आधा घंटा उसमें पूरा आपका पूरा लग गया। मैंने अपने कपड़े वॉश नहीं किए, मैं सोची कि जो मुझे हैंड से वॉश करने वो मैं दूसरे दिन वॉश कर लूँगी। और अभी जा रहे हैं हम लंच, बस जो भी है हम ब्रेकफास्ट तो कर लिए थे, लंच करने जा रहे हैं। स्पर्श को भूख लगी, एक्चुअली स्पर्श को मैं एप्पल वगैरह काट के दे रही थी मॉर्निंग टाइम में, अभी जस्ट मैं नहा के आई हूँ, बाल गीले हैं, अभी थोड़ा सा लिपस्टिक लगाई, डेली क्रीम जो लगाती हूँ वो लगाई, बिंदी लगाई, सिंदूर लगाई, और धूप आज थोड़ी थोड़ी निकली हुई है, बहुत अच्छी धूप नहीं है, थोड़ी देर जैसे बोलते हैं गुनगुने गुनगुने वाली धूप है उसी टाइप का है, बादल भी है, तो वही हम जा रहे थे। तो चलिए, और यहाँ पे स्पर्श है और ये कपड़े लेके आ रहे थे प्रेस करने को देना था, तो आज मैंने जो कपड़े वॉश किए थे ना वो सूख गए हैं सारे, और कल भी मैंने इनके कपड़े वॉश किए थे तो ये सारे सूख गए हैं, और अभी दोपहर का टाइम नहीं है, शाम का टाइम हो चुका है, मीन्स 3 बजे के आसपास का टाइम है, और 3:30 के आसपास का टाइम हो रहा है। तो इनके जो कपड़े हैं ये ऐसे बांधने के लिए लिए थे तो उसी को स्पर्श ने उठा लिया था, और मैंने अपना भी इसमें 2 कुर्ती रख दिया। वैसे मैं अपने ऑलमोस्ट कपड़े जो है ना प्रेस कर लेती हूँ, कभी कभी दे देती हूँ जब मन नहीं होता है ना, तो आजकल थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ, तो अभी उतनी प्रॉपर मैं सही नहीं हुई हूँ तो मैं थक जाती हूँ, तो इसी वजह से मैंने बोला कि मेरा भी आप इसमें रख लो, नहीं तो मैं एक आध कुर्ती तो मैं खुद से ही प्रेस कर लेती हूँ, तो ये बाद में क्योंकि ऐसे बांध के ही हमें देना पड़ता है, थैले में देते हैं ना तो फिर लेके आने में प्रॉब्लम होती है, जब प्रेस हो जाता है तब वो थैला छोटा पड़ जाता है, बट ये कपड़े में बहुत ही अच्छे से हो जाता है। देन हम लोग निकल गए थे विशाल के लिए, ग्रॉसरी शॉपिंग करनी थी, तो वो ज़्यादा हमें शॉपिंग इस बार नहीं करनी है, तो इस बार मैंने थोड़ा सा मूड बना कि दूसरी जगह चलते हैं, जहाँ हम जाते हैं वहाँ आज ना चल के हम चलते हैं आज विशाल, थोड़ा सा ऑफ़र वगैरह देखते हैं, बट यहाँ हम आए ना तो कुछ भी ऑफ़र के नाम पे जीरो, समझो तो कुछ नहीं, और बस अब हम आ गए तो मैं बोली कि चलते हैं फिर यहाँ से, तो ये बोले कि नहीं नहीं अब हम आ गए हैं तो हम यहीं से सामान ले ले रहे हैं, फिर क्या इधर जाएँ उधर जाएँ, एक दिन संडे का तो टाइम मिलता है वो भी इधर उधर भी गुजर जाएगा तो फिर कुछ भी काम नहीं हो पाता है, क्योंकि संडे इन लोगों को क्या होता है ना, संडे को ही टाइम मिलता है तो ऐसा लगता है कि जितना काम हो जाए संडे को, घर के जितने भी बाहर वाले काम होते हैं, कुछ खरीदना कुछ भी, तो वो सब हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। और देन हम नमकीन उमकीन देख रहे थे, बट ये यहाँ वाली नमकीन मुझे पता नहीं क्यों पसंद ही नहीं आती, तो मैंने मूंग दाल, वैसे मैंने बोला है लेने के लिए मूंग दाल, मुझे खाए हुए काफ़ी टाइम हो गए थे, मतलब लिए हुए काफ़ी टाइम हो गए थे, मूंग दाल और जो खट्टा मीठा नमकीन आता है वो सब मैं बोली थी, तो ये ले रहे हैं, और जो भी पसंद आएगा वो मैं देख लेती हूँ, बट मेरा जो फेवरेट है जहाँ मैं जाती हूँ उसी शॉप पर मिलती है, तो बट मैं जो भी है ले ले रही हूँ। उसके बाद मैं कपड़े वगैरह देखी, अपने लिए कुछ पसंद नहीं आया, मुझे यहाँ के कपड़े पता नहीं क्यों कभी पसंद आ जाते हैं लेकिन हमेशा से नहीं आते हैं, ऐसा हो जाता है। स्पर्श के लिए हमने टी शर्ट लिया है यहाँ से, और इनके लिए एक मैंने टी शर्ट लिया है, स्पर्श के लिए तो खैर और भी लेना था बट मिला ही नहीं, पैंट्स वगैरह लेने थे उसके वो भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला उसके लिए भी। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ सोन पापड़ी, और यहाँ पे स्पर्श है तो कुछ मसाले में मेथी दाने वगैरह लेने थे तो वो सब मैं ले रही हूँ, फिर देती हूँ आप लोगों से। तो अभी रात के बज गए हैं 8, मैं जा रही हूँ डिनर बनाने के लिए, और डिनर में मुझे बनाना है दोपहर की सब्जी पड़ी हुई है जो मैं मॉर्निंग डे में बनाई थी, और मेरे पास है आलू, तो आलू को मैं जीरा आलू जो होते हैं ना वो मैं बनाने जा रही हूँ, तो वही हो जाएगा रात का डिनर, आटा है मेरे पास तो उसकी मैं रोटी बना दूंगी। चलिए चलते हैं किचन में, आज मैं बाहर का कोई ज़्यादा सूट नहीं कर पाई, तो चलिए चलते हैं किचन में। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दिया था, कढ़ाई में ऑयल डाल दी हूँ,
और उसके बाद मैं डाल दी हूँ जीरा। तो जीरा थोड़ा सा ज़्यादा डालना था क्योंकि ये जीरा आलू ही बना रही हूँ, तो इसी वजह से थोड़ा सा जीरा ज़्यादा डाली हूँ। और जीरा डालने के बाद मैं इसको भून लूँगी। यहाँ पे मैंने प्याज कट करके रखी थी, इसी में मैंने लहसुन डाली हूँ और हरी मिर्च। तो हरी मिर्च को मैंने ऐसे बड़े बड़े टुकड़ों में ही कट कर दिया, क्योंकि छोटे छोटे करूँ ना हम तो खा लेते हैं, हमें तो बहुत अच्छा लगता है, इनको भी बहुत अच्छा लगता है थोड़ा सा स्पाइसी, बट स्पर्श की वजह से हमें ऐसे करके डालना पड़ता है। देन मैं भून लूँगी इसको, अच्छे से भून लूँगी ताकि इसका कच्चापन चला जाए। और यहाँ पे देखिए मैंने दो आलू को कट कर लिया, और एक्चुअली मैं बोल इसलिए नहीं रही हूँ ना क्योंकि ये म्यूज़िक चला रखे थे बैकग्राउंड में, और इनको बार बार दोपहर में भी मैं जब शूट कर रही थी तो यहाँ पे मैं केला दिखा रही हूँ, मुझे मॉर्निंग के लिए कट करना है, तो ये दोपहर में भी म्यूज़िक चला दिए थे, तो इसी वजह से मैं ज़्यादा ना कैमरे के सामने आके बोल नहीं पाई। और यहाँ पे प्याज जो है अच्छे से भून गया था, उसमें मैंने डाल दिया हल्दी और थोड़ा सा जीरा पाउडर, देन मैं आलू डाल के और भून ले रही हूँ, और इसको अच्छे से पकाना है। तो ये देखिए मैंने छोटे छोटे आलू के पीसेस किए हैं, बड़े बड़े नहीं किए हैं, क्योंकि छोटे छोटे रहते हैं तो फिर ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अगर आप बड़े बड़े कट कर दोगे ना तो फिर वो टेस्ट नहीं आता है, जो टेस्ट छोटे छोटे में आता है। तो आप लोग छोटे छोटे आलू को कट करके बना के देखना, बहुत टेस्टी बनता है। देन मैंने इसमें सब कुछ मसाले वगैरह डाल के और ऐसे ड्राई कर दूँगी, ढक के थोड़ा देर पकाऊँगी, और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। मैंने थोड़ा सा डाला है इसमें आमचूर पाउडर, और ये केला है, मैं इसको लेके जा रही हूँ कट करने के लिए सुबह के लिए। और ये अरबी भी छील रहे हैं कट करने के लिए, तो मैं अरबी नहीं छीलती हूँ, और एक्चुअली ये मैं ले जाके बेड पे और स्पर्श का कपड़ा प्लेस करना था, स्कूल ड्रेस, इसको मैंने नहीं दिया क्योंकि वो भैया कल शाम तक देंगे, स्पर्श को कल मॉर्निंग में स्कूल जाना होगा। तो मैं इसका सोची कि चलो मैं इसका प्लेस कर देती हूँ, स्पर्श का जो ये स्कूल यूनिफॉर्म था वो, और इसको मैं प्रेस करने में लग गई। इसका पैंट और टी शर्ट दो ही प्रेस करना था, और पहले तो मैं सोची कि दे देती हूँ, बट वही है ना कि कल शाम तक मिलेगा कपड़ा, उसको कल सुबह ही डालना, तो लास्ट काम मैंने ये करने लगी थी। और साथ ही साथ मैं इस ब्लॉग को अब एंड कर दूंगी, और मॉर्निंग से स्टार्ट की थी, नाइट हो गया, नाइट का टाइम है, आई मीन 9:30 के आसपास हो रहा है, तो मैं सोची कि पहले तो प्रेस कर लूँ ताकि एक काम से सुबह सुबह फ्री हो जाऊँगी। चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर कॉमेंट्स करके बताइएगा। बाय, टेक केयर, लव यू।